हेलो एवरीवन, आज का वीडियो का पर्पज है कुछ हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेकर आए हैं जो कि द हिंदू की कलेक्शन है एडिटोरियल की। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो हमारा पहला वर्ड है वो डिस्ग्रेसफुल। देखो पहली बात तो ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि लैंडिंग कहाँ पे आ रही है, उन पर आ रही है। हमें मालूम है किसी वर्ड के लास्ट में अगर फुल लिखा मिले वो क्या है, एडजेक्टिव। दूसरी बात ये वर्ड नेगेटिव है क्योंकि बिगिनिंग किससे हो रहा है, डिस से हो। तो पहली बात तो वर्ड नेगेटिव है और एडजेक्टिव है। देखो ग्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है, सुंदरता, सुंदरता, शोभा, कृपा, ये सब ग्रेस होता है, राइट। डिसग्रेस है जिसमें सुंदरता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, डिसग्रेसफुल है। जिसमें शोभा नहीं है वो क्या, डिसग्रेसफुल है। एक शॉकिंगली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए सुंदर नहीं है, वो आपके लिए डिसग्रेसफुल है। लेकिन शेमफुल, जिसमें शर्म आए, क्या शर्म आनी चाहिए, डिसग्रेसफुल काम किया है, शॉकिंग है। तो जिस काम में शर्म आनी चाहिए तो वो काम क्या, डिसग्रेसफुल। और जिसमें मान होना चाहिए, शोभा बढ़नी चाहिए, वो क्या, ग्रेसफुल काम, राइट। तो देखो अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा, एडमायरेबल। पहली बात एडजेक्टिव बन गया। देखो एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा। एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, आपके वर्ड गिवन है और आपको पता लगे एडजेक्टिव है तो उसका एंटोनिम सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा। यहां से भी आप हेल्प ले सकते हो अपने एंटोनिम और सिनोनिम को प्रोसेस इंप्रूव करने। ओके, तो डिस्ग्रेसफुल का मतलब इसमें सुंदरता नहीं है, शोभा नहीं है, उसका एंटोनिम क्या बन गया, एडमायरेबल, ऑनरेबल। ऑनर का मतलब इसमें मान सम्मान है, शोभा बढ़ती है, वो ऑनरेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, एन ऑनरेबल डेथ इज बेटर देन अ डिस्ग्रेसफुल लाइफ। कि ऑनरेबल डेथ यानी कि मान सम्मान वाली मृत्यु ज्यादा अच्छी बात अच्छी है बेशर्मी की जिंदगी से, डिस्ग्रेसफुल लाइफ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेक्यूनरी। देखो पेक्यूनरी जो वर्ड है, देखो इंग्लिश में पैको जो वर्ड है, PECU, ये पैसे का रूट है, ये मनी को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो जिसमें PEC लिखा मिले, इसका जनरली मतलब होगा कि इसका कनेक्शन किससे है, इसका कनेक्शन पैसे से है। ओके, सो पेक्यूनरी वर्ड का मतलब है रिलेटेड टू मनी, कंसिस्टिंग ऑफ मनी या रिलेटिंग टू मनी, पैसे से रिलेटेड वर्ड है ये। यानी कि फाइनेंशियल, मॉनिटरी, इकोनॉमिक, और एंटोनिम क्या बन जाएगा, नॉन फाइनेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, शी डिजायर्स ऑब्टेनिंग अ पेक्यूनरी एडवांटेज बाय डिसेप्शन। उसकी इच्छा है कि वो कुछ फायदे का लाभ उठा ले धोखा देकर। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, धोखा। डिसेप्शन का मतलब क्या है, धोखा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉम्पेल। तो कॉम्पेल बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, किसी को धक्का करना, प्रेशराइज करना, जोर जबरदस्ती करना, कोई धक्के से काम करवाना, ये सब क्या है, कंपेल करना, इंसिस्ट करना, ये सब क्या है, कंपेल करना, मजबूर करना। इसके सिनोनिम्स क्या बन रहे हैं, देखो सिनोनिम क्या है, फोर्स, फोर्स करना क्या होता है, प्रेशराइज करना, प्रेशराइज एंड कोर्स। देखो कोर्स वर्ड का मतलब भी प्रेशराइज करना ही होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, कोर्स एंड फोर्स, दे आर लाइक क्वाइट राइमिंग, है ना। तो फोर्स, कोर्स या प्रेशराइज, सबका मतलब क्या है, कंपेल करना। और एंटोनिम क्या बनेगा, अलाउ, लेट या परमिट। किसी को उससे धक्का ना करना, उसको अलाउ कर देना, उसको करने देना, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम है। द लॉ विल कंपेल एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस। जो लॉ है वो मजबूर करेगा, कंपेल करेगा एम्प्लॉयर्स को कि वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाए। तो कंपेल का मतलब है किसी को प्रेशराइज करना, मजबूर करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड बड़े किथ। देखो आपको जब रीडिंग करोगे ना, आपको बहुत बार लिखा मिलेगा किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है दोस्त और रिश्तेदार, ठीक है ना, बहुत बार लिखा मिलेगा किथ एंड किन, यानी कि दोस्त और रिश्तेदार। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वंस फ्रेंड्स, दोस्तों क्या बोलते हैं कि जिनको आप जानते हो, वो हमारे क्या होते हैं, एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस का मतलब क्या है, जिनसे हमारी जान पहचान, वो क्या, हमारे एक्वेंटेंस। तो किथ का मतलब हमारे दोस्त है, ठीक है ना, या रिश्तेदार है, वो क्या, किथ एंड किन बोल रहे हैं। Family, kin, relations, ये सिनोनिम है। Reunion today with all my kith and kin, मेरा reunion था आज अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। दोस्तों को रिश्तेदारों क्या बोलते हैं, kith and kin बोलते हैं। Okay, next हमारा word है deferral। Next हमारा word क्या है, deferral। देखो defer word English में indicate करता है postpone करने को, right? अगर किसी word में आपको defer लिखा मिले, defer का मतलब क्या है, postpone, यानी कि टालना। डेफर किसको इंडिकेट करता है, पोस्टपोन करने को, यानी कि किसी काम को टालने को इंडिकेट कर, डेफर कर। तो डेफरल वर्ड का कनेक्शन डेफिनेटली टाल मटोल से है, डिले करने से है। सो अ पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्शन और इवेंट।
चीजों के डिले करने को क्या बोलते हैं, डेफरल या डेफर करना बोलते हैं, डेफरमेंट पोस्टपोनमेंट डिले के सिनोनिम्स है, एंड डिस्पैच प्रॉम्प्टिट्यूड एंड प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, यानी कि प्रॉम्प्ट शब्द इसको इंडिकेट करता है तुरंत को, जैसे पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, यानी कि तुरंत एक्शन लिया, तो प्रॉम्प्टिट्यूड या प्रॉम्प्टनेस का मतलब है तुरंत। तो ये एंटोनिम बन गया किसका, डेफर का। डेफर का मतलब देर करना, और तुरंत करना क्या है, प्रॉम्प्ट को इंडिकेट, राइट। एंड दे अग्रीड टू अ डेफरल टू ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन, ये जो डेफरल जो है इंडस्ट्रियल एक्शन का, उसको उन्होंने सहमति दी। ओके, डिस्पैच का मतलब भी तुरंत कोई काम करना, तुरंत भेजना, तो ये एंटोनिम बन गया किसका, डेफरल। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेरीफेरी। देखो पेरीफेरी ना किसी भी चीज की बाउंड्री को इंडिकेट करता है, आसपास को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो स्टेडियम है, और स्टेडियम की चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है, उसकी पेरीफेरी है, ऐसी शहर की पेरीफेरी होती है। तो पेरीफेरी मतलब कि किसी भी चीज की बाहरी एरिया को इंडिकेट करता है, बाउंड्रीज को इंडिकेट करता है, राइट। देखो इसके सिनोनिम क्या बन गए, मार्जिन। मार्जिन का मतलब है बॉर्डर, मार्जिन, बाउंड्री, बॉर्डरी क्या है इसके सिनोनिम्स है। और अंदर का एरिया क्या हो जाएगा, इनर, इनसाइड, इंटीरियर, क्या बन गया, एंटोनिम बन गया। हाउस हैव बीन बिल्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री की जो साइड थी उसकी जो पेरिफेरी थी, हाउस वहां पर बनाया गया, बाउंड्री पे बनाया गया साइड। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसिक्यूट। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, परसिक्यूट। देखो इसको याद करने के लिए, समझने के लिए हम एक नेमोनिक का यूज करेंगे। नेमोनिक क्या है हमारा, नेमोनिक है इफ यू आर नॉट क्यूट यू विल फेस परसिक्यूट, ठीक है ना। देखो हमारे वर्ड में क्यूट आ रहा है, क्यूट का मतलब प्यारा, ठीक है ना। अब नेमोनिक क्या है, इफ यू आर नॉट क्यूट यू विल फेस परसिक्यूट, यानी कि आपको क्या किया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, ठीक है ना, आपको परेशान किया जाएगा, आपको ऑप्रेस किया जाएगा, ये सब क्या, परसिक्यूट करना। तो ये तरीका क्या करने का, परसिक्यूट को, इफ यू नॉट क्यूट यू विल फेस परसिक्यूट। ओके, सताना को क्या बोलते हैं, परसिक्यूट करना बोलते हैं सताना। तो ऑब्रेस करना, विक्टिमाइज करना, अब्यूज करना, विक्टिम मतलब किसी को शिकार ना लेना, विक्टिम का मतलब क्या है, शिकार। एंड इसका एंटोनिम क्या बनेगा, कंफर्ट देना, कंसोल देना, असिस्ट करना, सहायता करना। जब आप सपोर्ट कर रहे हो किसी को तो असिस्ट कर रहे हो, कंसोल कर रहे हो उसको, ठीक है ना, कंफर्ट दे रहे हो उसको, इसका एंटोनिम क्या बन गया, परसिक्यूट करना। इनकी अगर आप क्यूट नहीं है तो परसिक्यूट आपको फेस करना पड़ेगा, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, इस फॉलोअर्स वर परसिक्यूटेड बाय अथॉरिटीज, उसके जो फॉलोअर्स है उनको परसिक्यूट किया गया, उनको सताया गया, उनको परेशान किया गया अथॉरिटीज के द्वारा। ओके, देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनरैप्चर्ड। देखो इस वर्ड को भी हम नेमोनिक से करेंगे, एनरैप्चर्ड में देखो रैप आ रहा है। देखो आजकल बहुत सारे रैप सॉन्ग्स आते हैं ना, पॉप म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है, तो रैप सॉन्ग से सुनने में केवल मजा आता है। तो ही एंजॉयड रैपिंग इन द चर्च, रैप को उसने एंजॉय किया, क्या लिखा है, गिविंग इंटेंस प्लेजर और जॉय टू। जब आपको बहुत मजा आने लगे आप एनरैप्चर हो जाते हो, रैप सुन के एनरैप्चर हो गए, राइट। तो डिलाइट करना, डिलाइट मतलब प्रसन्नता महसूस करना, प्लीज गेट मी, चा मजे आ रहे हैं, खूब अच्छा लग रहा है, आप एनरैप्चर्ड फील कर रहे हो। एंड इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, डिप्रेस, डिस्ट्रेस, ऑप्रेस, परेशान, दबे हुए, कुचले हुए ऐसा महसूस हो रहा है, तो क्या डिस्ट्रेस है, ऑप्रेस्ड है ना, डिप्रेस्ड है, ये सब क्या बन गए, एनरैप्चर्ड के एंटोनिम्स, राइट। द ऑडियंस वाज एनरैप्चर्ड बाय हर ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी सुंदर आवाज ने क्या कर दिया, उनको बहुत मजे दिए, मंत्रमुग्ध कर दिया, आनंद दे दिया, एनरैप्चर्ड। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए, अभी लास्ट दो वर्ड्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फुलसम। देखो फुलसम को अगर हम ब्रेक करें, फुल, फुल का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, फुलसम को मैं फुल लिखूं, यस सम, इफ समबडी इज फुल, पूरा भरा हुआ है तो उसका कोई कमी नहीं है। तो भरपूर को, भरे हुए को, जहां पे प्रचुरता हो, खूब मतलब के प्रेजेंस है चीजों का, वो सब फुल सम है। इसे कॉम्प्लीमेंटरी और फ्लटरिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री, एम्पल प्रोफ्यूज, देखो ज्यादा मात्रा में जब कोई चीज होती है वो फुल समली अवेलेबल है, ठीक है ना। और एंटोनिम क्या बन गया, चीप, सेल्फिश, यानी कि जो खुद के लिए सोचते हैं, फुल सम के आजकल सब कुछ है देने के लिए, वो फुल सम। और जो कंजूस है, कुछ देता नहीं, वो चीप है, सेल्फिश है, उसका एंटोनिम इस तरह से है। हर न्यू बुक हैज रिसीव्ड फुलसम प्रेज, यानी कि खूब ज्यादा प्रशंसा, जब खूब ज्यादा चीजें हो जाए तो फुलसम बन जाता है। उसकी नई नॉवल ने बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा प्रशंसा बटोरी है, ऐसा मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्लिट्रेशन।
ऑब्लिट्रेशन पहली बात तो नाउन है, कैसे मालूम पड़ा नाउन है, एंडिंग कहाँ पे आ रही है, आई यू एन पे आ रही है। अब ऑब्लिट्रेशन के लिए भी हम क्या पढ़ेंगे, एक वर्ड लिखेंगे लिटरेट। देखो हमारा वर्ड क्या बन रहा है, लिटर यहाँ पे वर्ड आ रहा है, यहाँ पे हम लिटरेट। देखो लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, जो पढ़ सकता है लिख सकता है वो क्या लिटरेट है। लिटरेट का मतलब लिखना, और मिटाना अगर मैं इसको रब करूं तो क्या बन जाएगा, ऑब्लिट्रेट कर रहा हूं मैं, साफ करना मिटाना, ये सब क्या होता है ऑब्लिट्रेट करना। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, देखो विस्मृति यानी टोटल डिस्ट्रक्शन, खत्म करना, सफाया करना, मिटा देना, ये सब ऑब्लिट्रेशन है। द एक्शन इफेक्ट ऑफ ऑब्लिट्रेटिंग और बीइंग ऑब्लिट्रेटेड, सिनोनिम देखते हैं इसके क्या है सफाया के, इरेडिकेशन, इरेजिंग, ये छोड़, इरेजर भी इरेज से ही बना है, इरेजर, इरेजिंग, इरेडिकेटिंग, यानी कि तीनों का मतलब क्या, सफाया कर। एंटोनिम क्या बनेगा, रेज करना, रीजेंसी करना, फिर से नया कर देना, फिर से जनरेट करना, रीजेनरेसी, ठीक है ना, रिफर्बिशमेंट, फिर से नया कर देना। रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेशंस, इन्वेशन का मतलब क्या होता है घुसपैठ, इन्वेशन का मतलब क्या है घुसपैठ। द रिजल्ट ऑफ दीज इन्वेशन वॉज नियर ऑब्लिट्रेशन ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी कि इन इन्वेशन का रिजल्ट क्या था, इजिप्ट का सफाया। ऑब्लिट्रेशन का मतलब क्या होता है सफाया, याद करने का तरीका क्या, ऑब्लिट्रेट, लिटरेट से पढ़ा लिखा, लिखा तो लिखो रब करेंगे, साफ करना ऑब्लिट्रेट, ओके। अब देखो एक मिनट लगेगा, सबके सब वर्ड्स अपन पढ़ के देखते हैं दोबारा से जो हमने सीखे हैं, ओके। पहला हमारा वर्ड है डिस्ग्रेसफुल, जिसमें सुंदरता नहीं है वो डिस्ग्रेसफुल है। नेक्स्ट हमने वर्ड पढ़ा पेक्यूनरी, पेक्यू किसका रूप है पैसे का, पैसे से संबंधित पेक्यूनरी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉम्पेल, कॉम्पेल करना, जोर करना, जबरदस्ती करना, धक्का करना, प्रेशराइज करना, ये सब क्या है कॉम्पेल करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है किथ, किथ एंड किन हमने पढ़ा, दोस्त और रिश्तेदार, किथ एंड किन। नेक्स्ट है डेफरल, डेफर वर्ड इंडिकेट करता है पोस्टपोनमेंट को, देरी को, डिले करने। पेरीफेरी का मतलब होता है आसपास की जो बाउंड्री है, बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीफेरी लिखा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है परसिक्यूट, परसिक्यूट को वर्ड ने कहा इफ यू नॉट क्यूट, अगर आप क्यूट नहीं है तो आपको परसिक्यूट होना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा आपको प्रेशराइज फील करना पड़ेगा, विक्टिम बनोगे आप, तो परेशान करना, किसी को दबाना, ऑप्रेस करना, ये सब क्या है परसिक्यूट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है एनरैप्चर्ड, एनरैप्चर्ड को हमने रैप से किया, आप रैप सुन के बड़ा मजा आ रहा है, मंत्रमुग्ध हो रहे हो, मंत्रमुग्ध करना, एनरैप्चर्ड करना, एनरैप्चर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है फुलदम, फुलदम का मतलब होता है भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी होना, खूब प्रचुरता होना, प्रोफ्यूजन होना, क्योंकि चीजें बहुत है, कोई कंजूसी नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये क्या है, ये फुलसम है। नेक्स्ट है ऑब्लिट्रेशन, ऑब्लिट्रेशन का मतलब होता है सफाया, लिटरेट से हमने किया, लिटरेट का मतलब लिखा पढ़ा, और उसका खत्म करना क्या होता है ऑब्लिट्रेशन। तो ये हमने कुछ वर्ड सेलेक्ट किए हैं जो आपको बहुत यूजफुल होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, तो आप इस चैनल के ऊपर एक्सप्लोर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।